हाय फ्रेंड्स, आई एम सुनीत संगई फ्रॉम ब्रेनलेस इन्वेस्टमेंट। आज हम देखेंगे मार्सलेस इन्वेस्टमेंट के राइजिंग जायंट्स के 10 स्टॉक्स। तो पिछले वीडियो में हमने पार्ट वन में 5 स्टॉक्स डिस्कस किया था और आज हम 10 स्टॉक्स डिस्कस करेंगे। टोटल 15 स्टॉक्स का ये बास्केट है। की बात करो तो रिलैक्सो फुटवेयर, तो रिलैक्सो फुटवेयर अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लासिक केस है। फ्री कैश फ्लो आप देखो 12 टू 15 में फ्री कैश फ्लो वाज नेगेटिव, वेयर एज एबिटा एंड सीएफओ वाज पॉजिटिव। तो अगर आप उस टाइम पे नंबर देखोगे तो आपको ऐसे लगे कि कंपनी जो है बेसिकली फ्री कैश फ्लो के हिसाब से अच्छा नहीं कर रहा था, दैट इज बिकॉज ये बेसिकली री इन्वेस्टमेंट के फेज में था। और वहीं अगला फेज 15 टू 18 में ये बेसिकली इनकी री इन्वेस्टमेंट जो है ये बेसिकली फ्रूट लाने लगी, जो बेसिकली पौधे लगाए थे इन्होंने उनसे फल आने लगे। आप देखो फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव भी हुआ, एबिटा एंड सीएफओ से काफी ज्यादा पेस से ग्रो हुआ। एंड फास्ट फॉरवर्ड 18 टू 21 में भी अगर हम देखें तो अमेजिंग तरीके से फ्री कैश फ्लो ग्रो हो रहा है। बेसिकली जो लोगों ने पुराने इन्वेस्टमेंट किए उसके लिए फर्दर इनके बिजनेस ग्रो भी हो रहा है। एबिटा एंड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन से काफी ज्यादा फ्री कैश फ्लो ग्रो हो रहा है। और वहीं रिलैक्सो फुटवेयर की बात करें तो ये बेसिकली ऑन लेदर सेगमेंट में फुटवेयर बनाता है, चाहे वो रबर का हो, कैनवस शूज हो, स्पोर्ट्स शूज, सैंडल्स, स्कूल शूज एंड अदर टाइप्स ऑफ फुटवेयर। और ब्रांड्स की बात करें तो रिलैक्सो, स्पार्क्स, फ्लाइट, बहामा इस तरह के ब्रांड्स भी हैं और काफी सारे सेलिब्रिटीज को भी लोगों ने ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए लाया है। और वहीं रिटर्न्स की बात करें तो 34% के सीएजीआर से इसने वेल्थ क्रिएट करके दिया इन लास्ट 5 इयर्स, द एब्सोल्यूट रिटर्न्स ऑफ 337%। तो अमेजिंग तरीके का रिटर्न्स लाके दिया है। अगली कंपनी की बात तो जीएमएम फॉर्डलर, तो जीएमएम फॉर्डलर की बात करें तो इसका अगेन फ्री कैश फ्लो देख लेते हैं पहले, फिर बिजनेस थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो फ्री कैश फ्लो की बात करें तो 12 टू 15 में इसका फ्री कैश फ्लो जो है कंपेयर टू एबिटा एंड सीएफओ इट वाज वेरी लो। एंड वहीं 2015 टू 18 में भी अगर हम देखें तो फ्री कैश फ्लो इंप्रूव हुआ फ्रॉम 4% टू 25% की ग्रोथ में, बट स्टिल इट वाज लेस देन सीएफओ। तो बेसिकली ये जो लगातार री इन्वेस्टमेंट के फेज में था। 12 टू 15 में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत हो रही थी क्योंकि ये बहुत ही नैसेंट स्टेज में था, और 15 टू 18 में नैसेंट स्टेज में तो नहीं था बट स्टिल री इन्वेस्टमेंट की बहुत अपॉर्चुनिटी दिख रही थी एंड ग्रोथ फेज में था, दैट वी कैन डेफिनेटली से, क्योंकि फ्री कैश फ्लो जो ये इंप्रूव हो चुका था, 25% पे आ गया था। और वहीं फास्ट फॉरवर्ड 18 टू 21 में देखे तो एबिटा एंड सीएफओ हैज इंप्रूव, दैट मींस कि बिजनेस इज डूइंग वेरी गुड। फ्री कैश फ्लो जो है कंपेयर टू एबिटा एंड सीएफओ इट्स स्टिल लो 20% पे, दैट इज बिकॉज़ कि ये लगातार रीइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एंड कैन रियली बी सीन थ्रू आरओसी एज वेल। आप देखो रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड भी इन लोगों ने काफी एफिशिएंट किया, 17%, 24%, 26%, जबकि फ्री कैश फ्लो जो है ये स्टिल थोड़ा सा कम है कंपेयर टू सीएफओ एंड एबिटा, दैट इज बिकॉज़ कि ये स्टिल यहां पे रीइन्वेस्टमेंट की जरूरत भी हो रही है एंड बिजनेस इज ग्रोइंग वेरी वेरी फास्ट इन दिस कंपनी। एंड यहां पे अगर मैं बात करूं तो जीएमएम फॉर्डलर के बिजनेस की तो ये ग्लासलाइन इक्विपमेंट में मैन्युफैक्चरर है, वेरी क्रिटिकल इक्विपमेंट बनाता है ये, इसीलिए जो है क्वालिटी पे बहुत ज्यादा फोकस भी किया जाता है और केमिकल एंड फार्मा कंपनीज के लिए बहुत ही क्रिटिकल एप्लीकेंट होता है। ये जो दो सेक्टर्स है केमिकल एंड फार्मा, दे आर गोइंग थ्रू मैसिव मैसिव टेलविंड। तो ये जो दो सेक्टर्स है दे आर गोइंग टू बेनिफिट फॉर द नेक्स्ट 5 to 10 years ड्यू टू चाइना प्लस वन के थीम के वजह से। यहाँ पे जीएमएम फॉर्डलर इज डेफिनेटली गोइंग टू बेनिफिट और इसीलिए ये बहुत ज्यादा हेवी कैपेक्स भी कर रहे हैं इस पर्टिकुलर कंपनी जो अपना बिजनेस को ग्रो करने में। रिटर्न्स की बात करें तो 537% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए कंपनी ने लास्ट 5 इयर्स, और सीएजीआर लेवल पे देखे तो ऑलमोस्ट 45%। तो ये दर्शाता है इस तरीके के हाई क्वालिटी बिजनेस एक मल्टीबैगर बना है ये लास्ट 5 इयर्स में। अगली कंपनी की बात करो तो पेज इंडस्ट्रीज, तो पेज इंडस्ट्रीज का फ्री कैश फ्लो जो है काफी कुछ बताएगा। आप देखो वापस से एक एग्जांपल आ गया, देखो ये 12 टू 15 में आप देखो फ्री कैश फ्लो मच स्मॉल कंपेयर टू एबिटा एंड सीएफओ, और वहीं 15 टू 18 में देखे तो ये जो नेसेंट स्टेज था वहां से ये ग्रोथ फेज में आ गया। फ्री कैश फ्लो जो है 6% से ग्रो के 52% अमेजिंग तरीके से ग्रो हुआ एंड इट वाज मच हायर देन एबिटा एंड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। और वहीं 2018 टू 21 में हम देखे तो एबिटा एंड सीएफओ के कंपैरिजन में कैश फ्लो इज वेरी गुड। हालांकि एबिटा एंड सीएफओ हैज डिक्रीज्ड फ्रॉम 2015-18 टू 18-21, और इसीलिए जो है 18 टू 21 में जो है पेज इंडस्ट्री कंसोलिडेशन में फेज में था और काफी सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी लाए। पहले ये इनरवेयर में था और अब जो ये ऑफिस वेयर में भी इन लोगों ने काफी सारे प्रोडक्ट्स लाए, इनोवेशन लाया है, दैट इज बेसिकली रिफ्लेक्टिंग ऑल्सो फ्री कैश फ्लो जो है ये अच्छा ग्रो भी हो रहा है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कंपनी की तो कंपनी के पास दो ब्रांड्स है, पहला है जॉकी, जबकि यूएस ब्रांड है जिसका इंडिया एंड अपैक के कुछ और कंट्रीज का इन लोगों ने फ्लैगशिप बेसिकली मार्केट का डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैन्युफैक्चरिंग का कॉपीराइट लिया है, और इसके अलावा स्पीडो इंटरनेशनल का भी इन लोगों ने इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन राइट लिया है। तो ये जो दो ब्रांड्स है इनका बिजनेस जो है इंडिया में ये कंपनी चलाती है। रिटर्न्स की बात करो लास्ट 5 इयर्स में 208% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए कंपनी ने, सीएजीआर लेवल पे देखे तो ऑलमोस्ट 25% के कंपाउंडिंग रही है। अगली कंपनी पे जाने के पहले मैं आपको एक स्निपेट दिखाता हूं जो मैंने मार्सलेस इन्वेस्टमेंट की वेबसाइट से निकाला है। ये अप्रैल का ही है, ऑलमोस्ट 15 डेज पुराना ये स्निपेट है। तो आप देखो एंड्यूरेंस टेक्नोलॉजी जो है ये बेसिकली राइजिंग जायंट का पार्ट हुआ करता था बट अब नहीं है, दैट इज प्राइमरी बिकॉज कि यूरोपियन रीजन में जो इनकी सब्सिडियरी है वहां काफी सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे ड्यू टू इलेक्ट्रिकल व्हीकल थीम, और इन लोगों ने चीजें जो है बहुत ही लॉन्ग टर्म के हेडविंड्स दिख रहे हैं इनको, थोड़ा सा 4-5 साल का हेडविंड भी दिख रहा है, और इसलिए इन लोगों ने एंड्यूरेंस टेक्नोलॉजी से एग्जिट किया है और वहीं एडिशन किया है इनका वीमार्ट रिटेल। तो वीमार्ट रिटेल इज द नेक्स्ट कंपनी वी आर टॉकिंग अबाउट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 12 टू 15 में आप देखो फ्री कैश फ्लो वाज ग्रोइंग एट गुड पेस 26%, बट इट वाज स्टिल लोअर देन एबिटा एंड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। बेसिकली ये जो है ये सॉर्ट ऑफ इन बिटवीन नेसेंट एंड ग्रोथ फेज में था। और वहीं अगर मैं बात करूं 2015 टू
2018 अगेन जो है एबिटा एंड सीएफओ की कंपेरिजन में स्लाइटली कंपेयर्ड टू दैट सिमिलर लेवल पे था, यानी ये स्टिल एक ग्रोथ फेज में ही था। और वहीं 18 टू 21 में आप देखोगे तो सीएफओ से ये काफी ज्यादा पेस में ग्रो भी हुआ है 18 टू 21 में, दैट इज वेयर द रियल ग्रोथ हैज हैपेंड। और एबिटा जो है वो नेगेटिव है, दैट इज प्राइमरली बिकॉज कि पैंडेमिक के दौरान इनका काफी ज्यादा लॉसेस भी हुआ, स्टोर्स जो है क्लोज भी थे और लोग बाहर निकल नहीं रहे थे, थोड़ा ऑनलाइन शॉपिंग हुआ था, बट चीजें पैंडेमिक के बाद टर्न अराउंड हुई है और बिजनेस जो है काफी अच्छी तरीके से ग्रो भी हो रहा है। बिजनेस की बात करें तो वीमार्ट रिटेल जो है ये बेसिकली अपैरल्स का ये रिटेल चेन है इन टायर टू सिटीज, टायर थ्री, टायर फोर सिटीज में, बेसिकली नॉर्थ ईस्ट रीजन में इनका प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। और वहीं अगर मैं कुछ नंबर्स की बात करूं तो आरओसी 28% का रहा है लास्ट 3 इयर्स प्री पैंडेमिक, और अर्निंग्स की ग्रोथ रही है ऑलमोस्ट 22% से, तो दिखाता है किस तरह की ग्रोथ रही है। और इसके प्राइमरली 3 रीजन है ड्यू टू बिकॉज ऑफ विच इट इज सक्सेसफुल। एक तो सप्लाई चेन जो है इनका बहुत ही एफिशियंट है, वेंडर सिलेक्शन और वेंडर मैनेजमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं और टैलेंट रिटेंशन एंड टैलेंट ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। और फैक्टर जो के लिए बहुत बेनिफिशियल हुआ स्पेशली इन पैंडेमिक, तो इनके बैलेंस शीट जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और इसीलिए इन लोगों ने जब अपॉर्चुनिटी मिली अरविंद लाइफस्टाइल का अनलिमिटेड ब्रांड को इन लोगों ने एक्वायर भी किया, तो इस तरीके की जहां पे एक्विजिशन अपॉर्चुनिटी दिखती है तो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट ये एक्वायर भी कर पाते हैं। रिटर्न्स की बात करें तो 242% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए इन लास्ट 5 इयर्स, और वहीं सीएजीआर लेवल पे देखें तो ऑलमोस्ट 28% से इनका वेल्थ कंपाउंड हुआ है। अगली कंपनी की बात करें तो इन्फोएज, तो इन्फोएज की बात करें तो दिस इज वन कंपनी जहां पे आपको फ्री कैश फ्लो जो है बहुत अच्छा नहीं दिखेगा कंपेयर टू सीएफओ एंड एबिटा, दैट इज बिकॉज की इन्फोएज के दो सेट ऑफ बिजनेस है। वन बिजनेस जहां से इनको लगातार प्रॉफिट जनरेट हो रहा है और लगातार ये स्टार्टअप्स में निवेश करता है, तो स्टार्टअप्स में अगर आप निवेश करना चाहते हो और इंडिया में लिस्टेड स्पेस में दिस इज द ओनली कंपनी जो स्टार्टअप्स में निवेश करता है और बहुत अग्रेसिवली निवेश करता है, तो इसलिए आपको फ्री कैश फ्लो हमेशा नेगेटिव या लोअर देन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस एंड एबिटा दिखेगा, बट इनके एबिटा और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस से भी आपको दिख जाएगा कि बिजनेस जो है काफी अच्छा ग्रो किया है। आप देखो 12 टू 15 में जो है ये तीनों नेगेटिव थे, दैट इज बिकॉज इट वाज गोइंग थ्रू अ मैसिव नेसेंट स्टेज पे भी था और मैसिव री इन्वेस्टमेंट भी हो रही थी। 15 टू 18 इज वेयर थिंग्स बिकेम वेरी वेरी गुड, एबिटा भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हुआ, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हुआ और फ्री कैश फ्लो भी बहुत अमेजिंग तरीके से ग्रो हुआ। हालांकि ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस से कम ग्रो हुआ क्योंकि बहुत ज्यादा री इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज दिख भी रही थी, काफी सारे स्टार्टअप में इन लोगों ने इन्वेस्ट भी किया। आरओसी जो बहुत ही हेल्दी था, जो आपको दिखाता है कि क्वालिटी ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड वॉज वेरी गुड। और वहीं 18 टू 21 में अगर हम देखें तो पैंडेमिक की वजह से ये जो इंपैक्ट है बहुत ही अग्रेसिवली रहा और इस वजह से इन्फोएज के शेयर्स में भी थोड़ा सा कंपेयर टू द मार्केट थोड़ा सा हिट भी हुआ। और एबिटा अगर हम देखें तो बेसिकली एबिटा सीएफओ आप देखो तो सेम स्टेज पे है, वहीं फ्री कैश फ्लो जो है वो नेगेटिव है, दैट इज प्राइमरली बिकॉज पैंडेमिक का भी इंपैक्ट था और दूसरा क्या है कि स्टार्टअप्स जिनमें इन लोगों ने निवेश भी किया था वहां पे चीजें बहुत अच्छी नहीं हो रही थी इन पर्टिकुलरली सम ऑफ द स्टार्टअप्स बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक थिंग, बट नेवर्थलेस जैसे जैसे ये पैंडेमिक की चीजें इंप्रूव होगी तो यहाँ पे बिटा फ्री कैश फ्लो एंड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस इंप्रूव होने के बिल्कुल आसार दिख रहे हैं। अगर लेट्स से कि आने वाले टाइम में ये बेसिकली अपने डिक्लाइन वाले फेज में है, इफ दिस थिंग्स कंटिन्यू तो ऑब्वियसली मार्सलेस इन्वेस्टमेंट जो इस कंपनी को अपने बास्केट में से निकाल देगी एंड दैट वी विल डेफिनेटली सी इन द कमिंग डेज अगर ऐसा कुछ होता है। तो बिजनेस की बात करो तो जैसे मैंने कहा कि इन्फोएज का बेसिकली अपना कोर बिजनेस जो है naukri.com, 99acres, जीवन साथी एंड शिक्षा.com, यहां से इनका मेजर प्रॉफिट आता है, प्राइमरली naukri.com से इनका मेजर प्रॉफिट आता है और इसको री इन्वेस्ट करते हैं मेनी स्टार्टअप। तो स्टार्टअप्स की बात करें तो रिसेंट टाइम में जो है जोमेटो का भी आईपीओ आया था जहां पे ये अपना स्टेक सेल भी किए थे एंड स्टिल दे आर होल्डिंग अ वेरी गुड स्टेक इन जोमेटो अपार्ट फ्रॉम द पॉलिसी बाजार है या फिर इस तरह की काफी सारी कंपनीज में ये निवेश करते हैं। रिटर्न्स की बात करें तो 449% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए कंपनी ने एंड सीएजीआर लेवल पे देखें तो 40% से अमेजिंग तरीके से ग्रो हुए हैं लास्ट 5 इयर्स, तो काफी अच्छा वेल्थ भी क्रिएट करके दिया कंपनी इन लास्ट 5 इयर्स। अगली कंपनी की बात करें तो एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, तो एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज की बात करें तो 12-15 में इनका बिजनेस चल रहा था बट इट वाज नॉट रियली दैट एलटीटीएस दैट करेंटली वी आर सीइंग, तो इसलिए हम 12-15 के फेज को इग्नोर करेंगे और 15-18 से हम देखेंगे। तो आप देखोगे कि एबिटा एंड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस के कंपैरिजन में फ्री कैश फ्लो जो है नेगेटिव है। बेसिकली ये जो है इन लोगों ने एक बिजनेस में टर्न अराउंड किया, अच्छी क्लाइंट से पोर्टफोलियो बिजनेस को थोड़ा सा चेंज किया इन लोगों ने, दैट वाज बेसिकली अगेन नेसेंट स्टेज जहां से ये वापस से रीस्टार्ट कर रहे थे। एंड फास्ट फॉरवर्ड 18-21 में आप देखो एबिटा एंड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस बोथ वर डूइंग वेरी वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ और फ्री कैश फ्लो जो है वो बेसिकली री इन्वेस्टमेंट की वजह से 15-18 में जो री इन्वेस्टमेंट हुआ उससे बेसिकली फ्री कैश फ्लो भी इंप्रूव हुआ, 71% की अमेजिंग ग्रोथ रही है इन टर्म्स ऑफ सीएजीआर। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी आपको दर्शाता है किस तरीके का क्वालिटी ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड हुआ। बिजनेस की बात करूं तो एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज इज नॉट द टिपिकल आईटी कंपनी, इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इनका मेजर फोकस रहता है। और कंपनीज की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, टेलीकॉम, हाईटेक, मेडिकल डिवाइस, इस तरीके की इंडस्ट्री के ये क्लाइंट्स को कैटर करते हैं। जस्ट टू गिव यू एग्जांपल किस तरीके की क्वालिटी ऑफ क्लाइंट्स है, 69 आउट ऑफ द टॉप 500 कंपनीज को ये डील करते हैं एंड दैट जस्ट शोज द क्वालिटी ऑफ क्लाइंट्स एंड द क्वालिटी ऑफ वर्क दे डू। रिटर्न्स की बात करें तो 430% के अमेजिंग रिटर्न्स बना के दिए इन लास्ट 5 इयर्स और सीएजीआर लेवल पे देखें तो 40% से कंपाउंड किया वेल्थ, तो बहुत ही अच्छा मल्टीबैगर रहा है ये लास्ट 5 इयर्स में। अगली कंपनी की बात करें तो नॉर्टन, ग्राइंडवेल नॉर्टन जो है ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और यहाँ पे हम पहले फ्री कैश फ्लो की बात कर लेते हैं। तो फ्री कैश फ्लो आप देखो 15 में भी ये जो है फ्री कैश फ्लो बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो हुआ, बेसिकली दैट शोज लॉन्जेविटी ऑफ द बिजनेस, बट एबिटा एंड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन
बहुत अच्छे तरीके से ग्रो नहीं हो रहे थे। फास्ट फॉरवर्ड 15 टू 18 में आप देखो एबिटा एंड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस भी अच्छे ग्रो रहे थे एंड फ्री कैश फ्लो वाज डेफिनेटली डूइंग बेटर देन सीएफओ एंड एबिटा। और वही 18 टू 21 में इनके जो पुराने री इन्वेस्टमेंट थे बहुत ही लंबा री इन्वेस्टमेंट था, वो वाले फेज से आप देखोगे तो एबिटा एंड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस के कंपैरिजन में फ्री कैश फ्लो हैज गॉन मच मच बेटर एंड दैट इज व्हाई जो है कंपनी ने वेल्थ भी काफी अच्छा क्रिएट करके दिया। बिजनेस की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एब्रेसिव सेरेमिक्स एंड प्लास्टिक में ये डील करते हैं। रिटर्न्स की बात करें तो 330% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए इन लास्ट 5 ईयर्स और वही कंपाउंडिंग करें तो ऑलमोस्ट 34% से कंपाउंड किया वेल्थ। अगली कंपनी की बात करें तो अल्काइल एमाइंस, तो अल्काइल एमाइंस इज डेफिनेटली एन इंटरेस्टिंग कंपनी जहां पे 12 टू 15 में बहुत ही इन्वेस्टमेंट रहा है इनका। देखो आप बेट टू एबिटा एंड कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो बहुत ही नेगेटिव रहा, दैट इज बिकॉज इट वाज इन एन एसेंट टू ग्रोथ स्टेज। और वहीं 15 टू 18 में आप देखो अगेन एबिटा एंड कैश फ्लो के कंपैरिजन सिमिलर था फ्री कैश फ्लो, हालांकि ग्रोथ वाज डिसेंट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स में हम देखे। और वहीं फास्ट फॉरवर्ड 18 टू 21 में इसकी जो पुरानी मेहनत थी उसके रंग भी दिख रहे हैं। आप देखो एबिटा भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हुआ, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस एंड फ्री कैश फ्लो व्हिच इज बेसिकली द रियल मीट, वहां पे बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो हुआ है कंपेयर टू एबिटा एंड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस एज वेल। और वहीं बिजनेस की बात करें तो ये बेसिकली एलिफेटिक एमाइंस बनाता है, डुओपॉली है, अल्काइल एमाइंस है एंड बालाजी एमाइंस, दीज आर द ओनली टू प्लेयर्स इन इंडिया दैट इज बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग दिस एलिफेटिक एमाइंस। और जैसे मैंने कहा कि स्पेशलिटी केमिकल का जो टेलविंड है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है नेक्स्ट 5 to 10 years। और रिटर्न्स की बात करें तो काफी अच्छा वेल्थ भी क्रिएट करके दिया, 1500% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए इन लास्ट 5 ईयर्स और सीएजीआर लेवल पे देखें 75% के कंपाउंडिंग में ये वेल्थ क्रिएट करके दिया। अगली कंपनी की बात करें तो एस्ट्रल पाइप्स, तो एस्ट्रल पाइप अगेन इसका मैंने डिटेल लेवल पे फंडामेंटल एनालिसिस किया था, आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो, सर्च करोगे आप बाय एस्ट्रल स्पेस रेनबिस या रेनबिस स्पेस एस्ट्रल तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। और वहीं अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे नंबर्स की बात करें तो फ्री कैश फ्लो जो है ये बहुत ही नेगेटिव था, दैट इज बेसिकली इट वाज गोइंग थ्रू मैसिव मैसिव री इन्वेस्टमेंट इन 2012 to 15। और वहीं 15 टू 18 में सिमिलर ग्रोथ रही फ्री कैश फ्लो का और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस एंड एबिटा देखो सिमिलर है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। वहीं ये जो री इन्वेस्टमेंट है इसका बेनिफिट भी आप देखो 18 टू 21 में 27% एंड 3% इन एबिटा एंड सीएफओ और वहीं फ्री कैश फ्लो जो है 71% से अमेजिंग तरीके से ग्रो हुआ है। और बिजनेस की बात करें तो इनके बेसिकली दो सेट ऑफ बिजनेस है, एक तो इनका जो पाइपिंग बेस्ड सॉल्यूशंस है प्लंबिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम के लिए जो पाइपिंग्स बनाते हैं, दैट इज वन सेट ऑफ बिजनेस जो इनका कोर बिजनेस एंड मेजर मार्केट शेयर है। और वहीं सेकंड लाइन ऑफ बिजनेस जो ये ग्रो कर रहे हैं इसके लिए इट्स अ कॉम्पिटिशन टू पीडलाइट एडिटिव बिजनेस के अंदर ये ग्रो कर रहे हैं। डिटेल्स की बात करें तो 542% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए कंपनी इन लास्ट 5 ईयर्स, सीएजीआर लेवल पे देखें तो ऑलमोस्ट 45% से वेल्थ कंपाउंड हुआ है लास्ट 5 ईयर्स। अगली कंपनी की बात करें तो गैलेक्सी सर्फैक्टेंट, तो गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स की बात तो 12 टू 15 में ये जो है ये बेसिकली नेसेंट स्टेज में था जैसा हम देख भी सकते हैं नंबर्स में। और एबिटा एंड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस के कंपैरिजन में फ्री कैश फ्लो जो बहुत ही खराब था नेगेटिव था एंड दैट इज बिकॉज़ इट वाज गोइंग थ्रू मैसिव री इन्वेस्टमेंट। और 15 टू 18 में ये चीजें दिखे भी, री इन्वेस्टमेंट का फायदा भी दिखा, एबिटा भी जो है अच्छा था 15% एंड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस इज वेरी गुड 52% का, फ्री कैश फ्लो इज मच हाई 81% का। और फास्ट फॉरवर्ड 18 टू 21 में अगर हम देखें तो एबिटा एंड सीएफओ के कंपैरिजन फ्री कैश फ्लो इज वेरी गुड, बट यहां पे आपको कंपेयर टू 15 टू 18 आपको 18 टू 21 में थोड़े से नंबर्स कम दिखेंगे, दैट इज बिकॉज़ एफएमसीजी सेक्टर इटसेल्फ इज गोइंग थ्रू थोड़ा सा कंसोलिडेशन वाले फेज में है। और बिजनेस की बात करें तो ये बेसिकली परफॉर्मेंस सर्फेक्टेंट्स एंड स्पेशलिटी केमिकल प्रोडक्ट्स बनाता है, केमिकल प्रोडक्ट्स बनाता है, ओवर 200 प्रोडक्ट्स हैं इनके। मोस्ट ऑफ द एफएमसीजी के जितने भी बड़े क्लाइंट्स है चाहे वो हिंदुस्तान यूनिलीवर से लेके मैरिको, जितने भी एफएमसीजी हम इंडिया में जानते हैं सब जो है ये गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स के प्रोडक्ट्स बाई करते हैं, दे आर द मेजर सप्लायर्स। और हेयर केयर हो, ओरल केयर हो, स्किन केयर हो, कॉस्मेटिक्स, हर जगह आप एफएमसीजी जो भी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उसमें गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स के परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स जो है ओलियो केमिकल बेस्ड सर्फेक्टेंट्स जो है यूज होते हैं। रिटर्न्स की बात करें तो जैसा हमने देखा कि लास्ट 3 इयर्स में इनका थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में रहा है और इसीलिए जो है बिजनेस जो है ये बहुत ज्यादा ग्रो भी नहीं किया है। और रिटर्न्स की बात करें तो 71% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए कंपनी इन लास्ट 5 इयर्स और 11.5% के कंपाउंडिंग ग्रोथ रही है इन लास्ट 5 इयर्स। तो ये जो 15 कंपनियां ये बेसिकली आपको नंबर्स जो बेसिकली 5 साल के परफॉर्मेंस है रिटर्न्स है वो दिखाने का मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में भी इस तरीके की रिटर्न्स होंगे। बेसिकली मैं आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस के साथ नंबर्स को आपको दिखाता हूं ताकि आप रिलेट कर सको किस तरीके से मार्केट जो है फ्री कैश फ्लो को इंपॉर्टेंस देता है और शेयर प्राइस फ्री कैश फ्लो के साथ काफी अच्छे तरीके से लिंक भी है। और लास्ट 5 इयर्स में इसके रिटर्न्स जो है ये जो बास्केट ऑफ 15 स्टॉक्स है 31% से ग्रो हुआ है इन टर्म्स ऑफ बास्केट। निफ्टी मिड कैप 150 जो बेसिकली मिड कैप का सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स हो जाता है वहां पे 11.5% के रिटर्न्स रहे हैं। तो दिखता है किस तरीके से आप एक फ्री कैश फ्लो के कॉन्सेप्ट से बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट भी कर सकते हो। और मार्सिलस का जो राइजिंग जायंट है इसका हम एवरी क्वार्टर रिव्यू भी करेंगे, जैसे जैसे इसमें स्टॉक्स में चेंजेस आएंगे विल डेफिनेटली रिव्यू इन द कमिंग टाइम एज वेल। तो ये जो 15 स्टॉक्स हमने डिस्कस किए दिस इज बेसिकली द पोर्टफोलियो ऑफ राइजिंग जायंट्स। इसके अलावा मार्सिलस इन्वेस्टमेंट के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं चाहे वो कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स है, लिटिल चैंप्स है या किंग्स ऑफ कैपिटल है, इनके ऊपर भी हमने डिटेल वीडियो बनाए, आप चाहो तो वो वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हो बाय सर्चिंग रेनबी स्पेस, जो भी ये जो प्रोडक्ट्स हैं इसको आप सर्च करोगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। That's all for today. Thank you. यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ तो ये कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये बेसिकली लर्निंग पर्पस से वीडियो बनाई गई है ताकि आप ये सीख सको कि एनालिसिस किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को देखना चाहिए। और अगर आपको यूजफुल लगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल है रेनबिस इन्वेस्टमेंट जिसको आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। That's all for today. Thank you.